भारतीय रेल में हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को रेलवे से जुड़े कई नियम पता नहीं होते। आज हम आपको रेलवे के एक ऐसे नियम के बारे में बताएंगे जिसको जानना आप सभी के लिए जरूरी है, और इसके बारे में ना पता होना जाने अनजाने में आपके द्वारा हुई किसी गलती पर आपको सजा भी दिलवा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अक्सर आपने देखा होगा लोग ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रुकवा देते हैं। दरअसल रेलवे की तरफ से यात्रियों को यानी कि आपको ट्रेन रोकने या फिर चेन खींचने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ तब किया जा सकता है जब कोई परेशानी हो यानी कोई आपातकालीन स्थिति हो। लेकिन बहुत से उपद्रवी इसे मजे के लिए भी कर देते हैं, जो कि रेलवे के लिए नुकसानदायी है और साथ ही आम लोगों को परेशानी भी पहुंचाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग आसानी से बचकर निकल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि यात्री ट्रेन खींचकर भागने की सोचते हैं, लेकिन पुलिस हमेशा एक्टिव रहती है, जो उसकी वजह से इस तरह की हरकत करने वालों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भला पुलिस को पता कैसे चलेगा, ट्रेन तो बहुत लंबी है, इतने में तो चेन खींचने वाला उतर कर भाग भी जाएगा। दरअसल होता यह है कि जब ट्रेन में चेन पुलिंग होती है तब उस समय बोगी के ऊपर कोने में लगा एक वॉल्व घूम जाता है और ये मेन कंट्रोल सिस्टम को इसकी जानकारी दे देता है कि इस बोगी की चेन खींची गई है। चेन जब खींची जाती है तो उस बोगी में प्रेशर लीक होता है और इसकी आवाज भी होती है। जब भी रेलवे पुलिस को इस तरह की आवाज सुनाई देती है तो पुलिस उस बोगी के आसपास पहुंच जाती है, फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से पूछताछ की जाती है, चेन खींचने का कारण जानने की कोशिश की जाती है। अगर कारण उचित है तो ठीक, वरना परेशानी भी बढ़ जाती है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यात्री कब खींच सकते हैं ट्रेन की चेन। रेलवे की तरफ से यात्रियों को सिर्फ आपातकालीन स्थिति में चेन खींचने की परमिशन होती है। जैसे अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो आप चेन खींच सकते हैं, या फिर सफर के दौरान कोई परेशानी आ जाए यानी कोई हेल्थ से जुड़ी कोई इशू आपको हो जाए तो उस स्थिति में भी यात्री चेन खींच सकता है। लेकिन अगर आप केवल अपने मजे के लिए ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। रेलवे नियमों के मुताबिक अगर कोई भी यात्री बेवजह ट्रेन की चेन खींच देता है तो उसे अपराध माना जाएगा, जिसके बाद रेलवे ट्रेन रोकने वाले व्यक्ति पर रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्रवाई कर सकता है। इस धारा के तहत अपराध का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर ₹1,000 जुर्माना या फिर 1 साल तक की जेल हो सकती है, और कुछ मामलों में तो ये दोनों ही सजा दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ट्रेन में सफर का आनंद जरूर लें, लेकिन कभी भी बिना वजह या केवल मजे के लिए ट्रेन में कुछ भी ऐसा ना करें जो बाद में आपको परेशानी में डाल दे।